आटा चीनी चोरी से तवज्जो हटाने के लिए 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। अगले इलेक्शन में पीटीआई को टिकट देने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, लीगी रहनुमा हसन इकबाल का दावा। कहा हुकूमत ने शरीफ बरादरान की किरदार कुशी की। नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबा भी तब्दीली सरकार की इंतकामी सियासत की भेंट चढ़ चुका। वक्त आएगा तो स्पोर्ट सिटी पर इजाफी लागत के पैसे इमरान खान से वसूल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे का नोटिस लें। इस वक्त मुल्क में जब कोरोना की वबा फैली हुई है और पिछले तकरीबन 3 माह से हम इससे जंग लड़ रहे हैं, 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक ये हुकूमत कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी। अभी तक हुकूमत और इसके वजीर सिंध की हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर तो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का ये केस बना दिया गया कि मैंने खेलों का ये मंसूबा क्यों बनाया। मुझ पे कोई माली बेजाब्तगी का इल्ज़ाम नहीं था, ये तो नौजवानों के लिए खेलों का मंसूबा था और इस जैसे 50 मंसूबे और बनने चाहिए पाकिस्तान के। मैं ये बात रिकॉर्ड पे करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। जितनी इजाफी रकम दरकार होगी वो इमरान खान और नैब के उन लोगों से रिकवर की जाएगी जिन्होंने ये झूठा केस बनाकर इस मुकदमे को बर्बाद किया।